रामायण का रीटेलीकास्ट शुरू हुआ है तब से फैंस शो के सारे स्टार्स की पर्सनल लाइफ को खंगालने में लगे हैं। वहीं शो के स्टार्स भी पीछे नहीं हैं, वो भी लगातार अपने फैंस के साथ अपनी रियल लाइफ से जुड़ी अनकही और अनसुनी बातें शेयर कर रहे हैं। बात अगर करें सीता मैया यानी एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया की, तो लक्ष्मण सुनील लहरी की तरह वो भी अपनी जिंदगी के कई अनकहे पहलुओं को लोगों के सामने ला रही हैं। और अब हाल ही में फैंस की डिमांड पर उन्होंने अपनी लव स्टोरी का राज खोला है। जी हाँ, आप ये तो जानते हैं कि दीपिका चिखलिया की शादी कॉस्मेटिक कंपनी श्रृंगार के मालिक हेमंत टोपीवाला से हुई, लेकिन हेमंत टोपीवाला से आखिर दीपिका की पहली मुलाकात कैसे हुई और फिर इनकी ये मुलाकात कैसे शादी के बंधन में बन गई, इसके बारे में दीपिका ने खुद अपने सोशल मीडिया पर बताया। तो आप भी सुन लीजिए दीपिका की मजेदार सी ये लव स्टोरी। दीपिका और उनके पति की पहली मुलाकात उन्हीं की पहली फिल्म के सेट पर हुई थी। जी हाँ, अपनी और अपने हस्बैंड हेमंत की पहली मुलाकात के बारे में बताते हुए हाल ही में न सिर्फ दीपिका ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी लव स्टोरी का जिक्र किया बल्कि अपनी शादी और हनीमून की तस्वीरें भी शेयर की। दीपिका ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा, यहाँ देखिए। आप सभी जानते हैं कि सीता अपने राम से कैसे मिली थी। मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि मैं अपने रियल लाइफ राम से कैसे मिली। मेरे पति का परिवार 1961 से पारंपरिक भारतीय कॉस्मेटिक बनाने और बेचने का काम करता है, जिसका नाम श्रृंगार है। मेरी पहली फिल्म का नाम था सुन मेरी लैला, और इस फिल्म के एक सीन में एक एड फिल्म के लिए शूट करना था। ये एड था श्रृंगार काजल का। जब हम ये एड शूट कर रहे थे तो हेमंत शूट करने के लिए आए थे और ये हमारी पहली मुलाकात थी। इसके बाद आगे दीपिका ने बताया कि इस मुलाकात के बाद हेमंत और वो अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हो गए, लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में अक्सर सोचते थे जब तक कि दोबारा न मिल लें। इसके बारे में आगे दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, हमने सेट पर अपने करियर के बारे में बातें की। ये वो समय था जब वो अपनी पढ़ाई के साथ ही अपने पिता के ऑफिस जाना शुरू कर चुके थे। कुछ सालों बाद उन्होंने मुझे एक पार्लर में देखा था जो मेरे घर के पास था। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मैं इतने सालों में हमेशा उनके दिमाग में घूमती रही। दीपिका ने आगे बताया, आखिरकार हम एक फैमिली फ्रेंड की मदद से 28 अप्रैल 1991 में फिर मिले और लगभग 2 घंटों की बातचीत में हमने ये तय कर लिया था और अपने परिवार को भी ये बता दिया था कि हमें अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है। 29 अप्रैल को मेरे जन्मदिन पर हमने एक छोटा सा रोका किया और उसी साल हमारी शादी हुई। तो सुना आपने दीपिका की ये है लव स्टोरी। लेकिन यही नहीं, दीपिका ने शादी के बाद अपने हनीमून को लेकर भी एक किस्सा शेयर किया। दीपिका ने बताया कि जब उनके पति ने उनसे पूछा कि वो हनीमून पर कहां जाना चाहेंगी, तो उन्होंने तपाक से स्विट्जरलैंड का नाम लिया। स्विट्जरलैंड दरअसल दीपिका का फेवरेट वेकेशन स्पॉट है और शादी के बाद अपनी पत्नी की इस फरमाइश को हेमंत भी टाल नहीं सके। इसके बाद शादी के 2 दिन बाद ही हेमंत और दीपिका दोनों स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए और वहां दोनों ने खूब मस्ती की।